Hey guys, you are watching Roshan and Deepika and welcome back to our new vlog. So guys, आज है 15th of August. तो आज का दिन दो खास दिन है. तो एक है इंडिपेंडेंस डे. आज के दिन में हम लोग का देश भारत देश स्वाधीन हुआ था. तो चारों तरफ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77th इंडिपेंडेंस डे. तो आज हम लोग उसी के लिए निकले हैं. और एक दूसरा भी खास दिन है वो है असम्पशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मैरी. तो दो खास दिन है आज. तो हम लोग सबसे पहले आए हैं मरिया पहाड़. तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेयर करेंगे, उसके बाद जाएंगे परेड देखने. और ठीक है, तो चलते हैं. सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं मरिया पहाड़ के अंदर एंड यहाँ पर बहुत ही शांति और सुकून फील हो रहा है. तो हम लोग आज प्रेयर करते हैं कि हमारे और आपके लाइफ में भी ऐसे ही हमेशा शांति और सुकून रहे. एंड उधर देख सकते हो कुछ लोग भी आए हैं प्रेयर करने के लिए. तो हम लोग भी जाते हैं प्रेयर करने, फिर मिलते हैं. ऐसा भी हम लोग का हो गया प्रेयर, थोड़ा सा छोटा सा. और अभी जाएंगे हम लोग उदित नगर स्टेडियम एंड वहाँ पे देखेंगे आज कैसे क्या है और कौन कौन आए हैं. और इधर मिल रहे हैं कुछ रोजरी सब मिल रहे हैं शायद. हाँ. और वो क्या है कपड़े वाला, कौन सा स्कार्फ वो सब मिल रहे हैं. और लोग कोई आ रहे हैं प्रेयर करने. अच्छा, अर्थ था ना. हाँ, मिशन. ओके ठीक है, मिलते हैं उदित नगर ग्राउंड में. चक्कर मारने एंड वहां पर बहुत भीड़ था. परेड भी मस्त लगा एंड खास करके बच्चे लोग का भीड़ था. वो लोग आए थे परेड करने और ऑडियंस भी बहुत भीड़ थे वहां पर. जिसका बच्चे लोग आए थे, लोग का मामी पापा लोग भी आए थे. हाँ, एनकरेज करने के लिए क्योंकि बचपन में जितना अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे वो फ्यूचर में उतना आगे बढ़ पाएगा. तो उसी के लिए जो भी हो रहा है सब चीज. इधर से एयरपोर्ट भी जाते हैं, वही रास्ता में हम लोग खड़े हैं, रॉकेट चौक बोलते हैं. और यहाँ पे रॉकेट लॉन्च होने वाला है इधर चंद्रयान 4. तो आज का खास दिन में होना चाहिए था लेकिन पता नहीं कुछ तो है इसलिए नहीं हो पाया. बैठ के लॉन्च हो जाएंगे वहां पर. तो मैं सोच रहा हूँ दीपिका को यहाँ बैठा के लॉन्च कर दूंगा, चले जाएगी मून पे. तो सबको तो वादा करते हैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के लाऊंगा. तो मैं तोड़ के नहीं लाऊंगा, इसको डायरेक्ट वहीं भेज दूंगा. तो क्या बोलते हैं इसके बारे में. अच्छा होगा, मैं वहाँ पर फिर एक जमीन खरीद के आऊंगी 10-30 मील का. हुआ, और एलियन सब रहते हैं जो. हाँ चलेगा, हम लोग एलियन बन जाएंगे कुछ दिनों के लिए. एलियन सब कपड़ा भी नहीं पहनते हैं. अगर वो लोग के साथ रहना है तो वो लोग के जैसे रहना. ना, 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 ना. तो वापस
तो इसको डिफ्यूज कर दें चंद्रयान 4 को, वापस अपना गाड़ी में जाएंगे। ये तो अपना गाड़ी है, लेकिन अब चंद्रयान 4 को भी हम लोग डिफ्यूज करते हैं, इसको लॉन्च नहीं होगा आज। तो गैस आज हम लोग ऐसे तो उधर से बहुत जन को देखे आज ऐसे रास्ता में, सबको फ्लैग पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं, अपना गाड़ी में भी बहुत लगा लगा झंडा लहराते हुए घूम रहे हैं। तो यही चीज हम लोग को याद आया, हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज का दिन में तो सबके झंडा लहराते हैं, लेकिन आज का दिन 15 अगस्त खत्म हो जाता है, फिर सबको 15 अगस्त ना, फिर 16 तारीख को इधर उधर दिखता है झंडा गिरा हुआ रास्ता साइड में इधर उधर सब। तो जैसे आज का दिन में जितना इज्जत दे रहे हैं अपना देश को, अपना नेशनल फ्लैग को, तो वही हमेशा देना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज का खाली और बाकी टाइम फेंक दो, तो वही चीज अच्छा से, अच्छा से करके रख दो। तो यही मैसेज देना चाहते हैं आप सबको, एंड फिर से वंस अगेन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ठीक है आज चलो अभी घूमते हैं, रास्ता घूमते हैं, और खाना पीना भी तो बनाना है, तो स्पेशल आज क्या बनाएंगे, दाल सब्जी इतना ही। गैस तो कल मैं गया था मार्केट तरफ, तो यहाँ पे मशरूम मिल रहा था, जंगली वाला जंगल वाला देसी मशरूम, जंगल वाला। हाँ, तो जो प्राइस उसका 1200 रुपया किलो, रे। तो एक जन बोला उसको कि वो मटन जैसे लगता है, मटन जैसे तो लगता है, एक्चुअली सीजनल फ्रूट मतलब सीजनल सब्जी है ना, उसको खाने के लिए लोग खरीदते ही। हाँ, तो आप लोग के तरफ कैसे क्या प्राइस है वो वाला मशरूम? और अगर गाइस आप लोग के तरफ रुगड़ा मिलता रहेगा ना, प्लीज हम लोग का पार्सल कर दीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कब से मांग रहे हैं पर कोई नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इधर खोजने जाने से कैसे होता है, इधर भी जंगल इधर भी मिल सकता है, सराई गज थोड़ी है, सराई गज में मिलता है ना, हाँ, सच्च, नहीं, जो पत्ता सब गिरे रहता है वो सड़ जाता है, वहाँ पे सड़ा हुआ चीज से निकलता है, सोचो सड़ा हुआ चीज से इतना अच्छा चीज मिलता है, तो अच्छा चीज से और क्या मिलेगा। तो चलो जाते हैं अभी घूमते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं और खाते हैं। ओके गाइस चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा एरोड्रम फील्ड तरफ, वहाँ देखते हैं इधर लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें कुछ दिखा यहाँ आए हैं लोग, यहाँ तो लोग ज्यादातर यहाँ पे ड्राइविंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज आए हैं रौलकला के यूथ, शायद ये लोग फ्लैग उड़ा रहे हैं, इधर भी लोग कोई कोई झंडा लगा के ड्राइविंग करने सीख रहे हैं, ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इधर थार भी है, थार ये लोग आए हैं फोटो शूट करने के लिए, ऐसे ही लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और चारों तरफ देख रहे हैं लोग अपना नेशनल फ्लैग पकड़े घूम रहे हैं, सबके अपना झंडा लहरा रहे हैं, और तो हाँ, लड़की लोग को मैं देख रही हूँ, वो लोग नेशनल फ्लैग का वो कलर का ड्रेस भी पहनी है, चुन्नी भी पहनी है, तो सब लोग नेशनल फ्लैग का वो सब अपना अपना तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग का भी यही आज का ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल फ्लैग, इसको देख के हम लोग खुशी हो रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपना देश के लिए अपना नेशन के लिए हमेशा कुछ ऐसे करके कर जाने हैं, अपने देशभक्ति बनाए रखना है अपने अपना दिल में, कुछ अच्छा करना भी है, और हो सके तो कुछ अच्छा करके दुनिया से चले जाना है। हाँ, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना, तो कुछ जाना ही है, तो कुछ करके अच्छा करके जाना। तो ठीक है, आज का ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड वंस अगेन आप लोग को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।